देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति पांडे। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समाहरणालय के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित की गई प्रेस वार्ता, डीसी एसपी ने किया प्रेस को संबोधित, कहा बेहतर ढंग से चुनाव कराने को तैयार है जिला प्रशासन, नहीं छोड़ी जाएगी कोई भी कोर कसर। पचम्बा थाना पुलिस ने बोरों में मारा छापा, मुर्गी लदे वाहन से बरामद हुई 40 पेटी अवैध शराब, गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश के बाद हुई यह कार्रवाई। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा में चोरों ने मचाया उत्पात, 5 दुकानों में बोला धावा, नकदी और सामान ले उड़े चोर। और चुनावी माहौल के बीच प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज, भाजपा प्रत्याशी निर्भय शाहबादी ने किया शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग। इधर जेवीएम प्रत्याशी चुन्नू कांत ने पचम्बा बनियाडी आदि क्षेत्रों का किया दौरा, सभी अपने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का किया प्रयास। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तीसरा पत्रकार सम्मेलन सोमवार को समाहरणालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान डीसी और एसपी ने चुनावी तैयारियों की जानकारी मीडिया को दी। विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को समाहरणालय के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से द्वितीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा आदि मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन स्वच्छ और बेहतर ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। तमाम प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कराने की प्रक्रिया चल रही है और अब से मतदान तक चुनाव आयोग के गाइडलाइंस को गंभीरता से लागू कराने पर प्रशासन की विशेष ध्यान रहेगी। आचार संहिता का गाइडलाइंस सभी उम्मीदवारों को भी उपलब्ध करा दिया गया है और प्रत्याशियों के गतिविधियों पर सभी संबंधित अधिकारियों को नजर रखने का निर्देश दिया गया है। गिरिडीह जिले के 5 विधान सभा का निर्वाचन चौथे फेज अर्थात 16 दिसंबर को होना तय हुआ है और इन 5 विधानसभाओं के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित हो चुकी हैं। आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था, आज सभी कैंडिडेट्स का सिंबल अलॉटमेंट हो जाएगा, फॉर्म 7 रेडी करते हुए ETBBS पर उसे अपलोड भी कर दिया जाएगा और उसके साथ प्रत्येक कार्रवाई के लिए एक एक दिन निर्धारित कर दिए गए हैं, चाहे वह ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे वह कलकत्ता के सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर्स पोस्ट कराने को लेकर हो या कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग को लेकर हो। तो विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं अभी से लेकर पोल डे वाले दिन तक, उन सभी को इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के माननीय सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षक का भी आगमन हो चुका है और उनके द्वारा भी पूरे नामांकन की प्रक्रिया तथा जनरल चुनावी प्रक्रिया जो जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है उसका भी अवलोकन किया जा रहा है और हम पूरी तरह से इस निर्वाचन हेतु तैयार हैं। इसमें सभी का सहयोग अवांछित है और हमें पूरी पूरा प्रतीत होता है कि एक स्वच्छ सुंदर मतदान करा पाने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से सफल है। यहाँ प्रेस वार्ता में एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि बेहद सुरक्षित माहौल में चुनाव संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है, इसी को लेकर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल को डिप्लॉयड किया जा रहा है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जाएगी और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। एसपी ने कहा कि नक्सली अगर अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश भी सुरक्षा बलों को दिया जा रहा है। फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है, जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि यहाँ पे माओवाद का प्रभाव रहा है और इस परिप्रेक्ष्य से जो डिस्ट्रिक्ट का डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही टॉप क्लासेस के फोर्स CRPF, BSF, ITBP, झारखंड जगवार, कोबरा इत्यादि फोर्स का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना है, इसके लिए प्लान आउट किया जा चुका है
और जहाँ जहाँ पे उनका प्रेजेंस है हम लोग उनको नोटिस कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन कराया जाए। वहाँ ऑपरेशन चल भी रहे हैं। किसी परिस्थिति में या किसी को अलाउड नहीं होगा कि वो जिले में शांति व्यवस्था को खराब करें और इलेक्शन में बाधा उत्पन्न करें। ऐसा कोई करते हैं कोई संगठन कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कोई नक्सल तत्व कहीं पर किसी प्रकार की अपनी घटना करते हैं तो उसके खिलाफ देखते हैं गोली मारने का आदेश भी प्रशासन दिया जा सकता है। डीएसपी 2 संतोष मिश्रा और पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह के नेतृत्व में बोड़ो में छापा मारा गया और मुर्गी लदे वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। इस दौरान दो लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग पर बोड़ो के समीप एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया गया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्र और थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान मुर्गी लदे वाहन से 40 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया। मौके से दो लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। बताया गया कि शराब धनबाद के गोविंदपुर से देवघर जा रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम अमित कुमार पासवान है जो मुंगेर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति अमित कुमार है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज धनबाद के समीप का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एक पचम्बा की एक टीम तैयार की गई और उसके बाद एक गाड़ी जिसके बारे में सूचना आ रही थी कि उस पर अवैध शराब लद कर जा रही है उसको टारगेट किया गया और उसे रास्ते में पकड़ लिया गया है। और ये लगभग 40 पेटी शराब विदेशी शराब हम लोगों ने जब्त किया है। दो व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी हुई है और एक गाड़ी भी सीज की गई है। इस संदर्भ में सर ये शराब कहाँ ले जाया जा रहा था? इस संदर्भ में अभी कार्रवाई की जा रही है। सूचना जल्द ही निकल कर आएगी कि क्या क्या कहाँ पर कैसे ये कारोबार चल रहा है, अवैध शराब का कारोबार किस तरह से आगे लोग बढ़ा रहे हैं और उसमें कौन लोग शामिल हैं, इन सारी चीज़ों की तहकीकात और जानकारी ली जा रही है। गिरिडीह मुफसिल थाना क्षेत्र के लेदा में रविवार रात कुल 5 दुकानों में चोरी हो गई। यहां से चोर ताला तोड़कर नकदी समेत खाने पीने के सामान ले उड़े हैं। घटना से अन्य दुकानदारों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह मुफसिल थाना क्षेत्र के लेदा पंचायत में रविवार रात कुल 5 दुकानों में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को चोरों ने रात के करीब 12 बजे के बाद अंजाम दिया है। यहां बता दें कि रात में 10 बजे से ही इस क्षेत्र की बिजली गुल थी जिसके कारण पूरे क्षेत्र में अंधेरा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि चोरों ने लेदा बस स्टैंड स्थित उषा देवी की राशन दुकान का ताला तोड़कर 7,000 नकदी समेत खाने पीने के सामान ले उड़े। वहीं बाल विकास केंद्र के पास स्थित शंकर पंडित के गुमटे वाले होटल से 1600 नकदी समेत दुकान से करीब 20,000 मूल्य के सामान को चोरों ने उड़ा लिया। इसके अलावा नकुल हजाम की सैलून दुकान से 250 रुपए नकदी, हेयर कटिंग की मशीन तथा मीना देवी की पीडीएस दुकान से ताला तोड़कर 300 रुपए नकदी निकाल कर ले गए। वहीं अन्य दो पवन कुमार वर्मा की स्टूडियो एवं रामू राम की दुकान का भी चोरों ने ताला तोड़ दिया, लेकिन इन दोनों के दुकान से कुछ चोरी नहीं हुआ है। इस घटना से अन्य दुकानदारों में दहशत का माहौल है। घर जाने के बाद करीब 11-12 बजे लाइन कटा, उसके बाद हम सुबह 4 बजे आए तो ये जो रड है इधर मिला, हमको ताला इधर मिला है। अब पूरा देखते हैं दुकान खुला है, खाली ऐसे करके भिड़काया हुआ था, बस इस तरह करके खाली इतना भिड़काया हुआ था। हम आया देखें कि ताला खुला नहीं, अच्छी है। अब देखते हैं तो पूरा दुकान मेरा खाली है। क्या हुआ आपके दुकान में? ये पैसा मतलब चोरी से गया सामान। कितना पैसा सामान गया? नकदी
7,000 पैसा और सामान था, सामान के तो वही रख लीजिए कम से कम 4-5 हज़ार। कैसे मालूम पड़ा आपको चोरी हुआ था दुकान में? सवेरे उठे और शौचालय से आए, उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे तब देखे फाटक खुला। अच्छा, रात में कुछ मालूम नहीं पड़ा? नहीं, अंदर में सोए थे। क्या किया, दरवाजा तोड़ा गया है या ताला? ताला तोड़ के निकाला। चुनाव में अपनी जीत के लिए भाजपा ने शहरी क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को भी भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी अपने समर्थकों के साथ शहर के कई इलाकों में पहुंचकर लोगों से समर्थन मांगा। विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भाजपा का भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को शहर के अलकापुरी, कृष्णा नगर, भंडारीडीह, मोहनपुर आदि क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली गई। बाद में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मौके पर भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहबादी ने घूम घूम कर सभी से अपने पक्ष में समर्थन मांगा। इनके साथ निगम के मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता विनय सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी, सुरेंद्र बर्मन, सदानंद राम, सदानंद वर्मा, संजीत सिंह, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, दीपक स्वर्णकार, मोतीलाल उपाध्याय, सुनील सिंह, सत्येंद्र चौधरी, भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान श्री सहबादी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन प्राप्त हो रहा है, उम्मीद है कि चुनाव में उनके पक्ष में सब कुछ रहेगा। लगातार सुबह में वार्ड वाइज प्रभात फेरी चल रही है। मुझे कभी कभी अवसर मिलता है, आज वार्ड 6 के इलाके में हम लोग घूम रहे हैं, कृष्णा नगर और तमाम ऐसे इलाकों में हम लोग घूम रहे हैं, सब साथियों के साथ में घर घर जा कर के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। और ऐसा देख के प्रतीत होता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके सिद्धांतों को मान रहे हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों को लेकर के संतुष्ट है जनता। हमारे भी हमने रिपोर्ट कार्ड घर घर बांट रहे हैं। मैंने भी विगत 5 सालों में जो हमने किया है वो जनता के बीच सामने रखने का काम किया है। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। गिरिडीह जिला प्रशासन भी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। सोमवार को प्रत्याशियों के नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के समय के समाप्ति के बाद बारी बारी से प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया गया। इस क्रम में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों को उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग अलग तरह के सिंबल दिए गए। चुनाव चिन्ह लेकर प्रत्याशी बड़े उत्साह से सोमवार शाम समाहरणालय परिसर से निकले और अपनी क्षेत्र की ओर कूच कर गए। झारखंड विकास मोर्चा छोड़कर दर्जनों लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी केदार हाजरा ने सभी नए लोगों का स्वागत गर्मजोशी से किया। जेवीएम नेता मनीष चौधरी एवं राहुल सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जमुआ में दर्जनों लोगों ने विधायक केदार हाजरा की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमुआ से भाजपा प्रत्याशी केदार हाजरा ने कहा कि भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, नित्य नए लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी 9 युवकों को माला पहनाकर पार्टी का सदस्य बनाया।
मौके पर उन्होंने सभी नौजवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर भाजपा नेता रण बहादुर पासवान, मुन्ना राय, दशरथ वर्मा, मनोज हाजरा, सुरेश हाजरा सहित अन्य कई लोग मौजूद थे। इधर पार्टी की सदस्यता लेने वाले में मुख्य रूप से अमर सिंह, दीपक कुमार, पुनीत कुमार, बब्बन चौधरी, अशोक कुमार, संदीप कुमार राय, निरंजन नायक, अमित राय, गोपाल कुमार, राहुल, पंकज, अजीत, अजय, प्रमोद, गुड्डू सहित दर्जनों लोग शामिल थे। आज भारतीय जनता पार्टी में उसमें राहुल जी, अशोक जी, अमर जी, इनके साथ सैकड़ों युवा जिनका नाम मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए और इन्होंने यह विश्वास हमें दिलाया कि मैं जहां था वहां विकास की गुंजाइश नहीं थी, वहां परिवार का गुंजाइश था, वहां परिवार बात बढ़ सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विकास होता है। यहां पर परिवारवाद नहीं है, यहां वाद राष्ट्रवाद है, यहां पर विकासवाद है, इसलिए आज राष्ट्रवाद और विकासवाद नए झारखंड के निर्माण में, नए भारत के निर्माण के लिए, जिंदाबाद 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 भारत के निर्माण के लिए, न्यू झारखंड के निर्माण के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की नेतृत्व में सरकार बने, इससे प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इसलिए आज हम इन लगता था कि कब का निकल जाए, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव नॉमिनेशन के समय जो मेरे साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मतलब व्यक्तिगत अपना राजनीतिक हो रहा है, उसमें कोई समाज हित का राजनीतिक नहीं है झारखंड विकास मोर्चा में। इसीलिए हम लोग उसी दिन तय किए कि हम लोग का अगर समाज में चाहते हैं कि विकास हो, जमुआ विधानसभा का विकास हो, तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना होगा। और हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता तय कर चुके हैं कि झारखंड विकास मोर्चा को छोड़ के बाई करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन। जेवीएम प्रत्याशी चुनुकांत भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमवार को भी उन्होंने पचम्बा व बनियाडी आदि क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से सहयोग की अपील की। झारखंड विकास मोर्चा के गिरिडीह प्रत्याशी चुनुकांत भी सघन रूप से जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। सोमवार को उन्होंने पचम्बा इलाके का दौरा किया और लोगों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान वह तेतरिया फील्ड में आयोजित एक बैठक में भी शामिल हुए, जहां वे सीधे स्थानीय लोगों से मुखातिब हुए। मौके पर उनके साथ जेवीएम नेता सुमन सिन्हा, नवीन सिन्हा, राजेश जायसवाल, सूरज शाह, राहुल शाह, विक्की यादव, पवन शाह आदि मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने बनियाडीह क्षेत्र में भी जनसंपर्क अभियान चलाया। उनको बदलने की जरूरत है और उसी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सरकार बनाएंगे। जो क्रिकेटर को कहता है कि फुटबॉलर, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो किस दिन आते हैं। लेकिन एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, बाबूलाल मरांडी जी आए चाहे नहीं आए, चुन्नू खान जी दोबारा यहाँ आवे चाहे नहीं आवे चुनाव के समय में, लेकिन 10 तारीख को फैसला आएगा तो पचम्बा से हम शुरुआत करेंगे, ये जरूर हमने किया है। और एक एक आदमी
का काम किए होंगे, दो पैसा फीस लिए होंगे, लेकिन कोई एक आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि चुनाव कांत गए थे तो हमको ठग लिया या लूट लिया। बाकी दूसरे जो लोग हैं उम्मीदवार मैदान में, देख लीजिए कि उनकी क्या दशा है। आजकल तो चुनाव में जब आदमी नाम करवा देंगे तो 24 तारीख को आप पास करा देंगे, ये आपको लगने लगेगा। इसको कौन बदले, इसको आप लोग को बदलना है। ये जवाबदेही सरकार की थी, लेकिन सरकार का उस तरफ से कोई ध्यान नहीं, बल्कि जिसका दखल कब्जा है उसको बेदखल करने का काम है। तो ये बदलेगा कैसे? हम कह रहे हैं कि 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को सरकार का अवसर है। बनियाडी कोलियरी है, क्षेत्र बना दिया कोलियरी का, क्या है जमीन का भी हम चर्चा किए कि 50 बरस से आपका कब्जा, सरकार आपको मानती ही नहीं कि आपका जमीन, नौजवान है उसके पास काम है नहीं। एक ट्रैक्टर बालू जो बाबूलाल जी के ज़माने में फ्री में मिलता था, आज एक ट्रैक्टर बालू लेने में 1500 से 2000 रुपये तक लगता है। सरकार बोलती है बना देंगे, कैसे गरीब आदमी कर, जब 2000 रुपये उसको एक जगह एक ट्रैक्टर बालू का लगता है। कई सवाल है जिसको इसकी चर्चा करनी चाहिए वोट के लिए। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को स्कॉलर बीएड कॉलेज प्रशिक्षुओं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल कराया गया। बताया गया कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच बेहतर तालमेल के लिए यह कार्यक्रम संचालित करवाया गया। शहर के जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में सोमवार को शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु विभिन्न गतिविधियों में शामिल हुए। बताया गया कि यहां म्यूजिकल चेयर, सुई धागा प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं के साथ प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। बताया गया कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच बेहतर तालमेल की जानकारी के लिए यह कार्यक्रम संचालित करवाया गया, ताकि भविष्य के शिक्षक वातावरण निर्माण बेहतर सांचे में ढाल सकें। यहाँ इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु शिक्षक दीक्षित, समृद्धि प्रिया, पुष्पांजलि, निर्मला, दुर्गा, रूपा एवं मधुप्रिया ने विद्यालय के प्राचार्य देवेंद्र सिंह एवं सहायक शिक्षक मुन्ना कुशवाहा के मार्गदर्शन में इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया। कोरीडी में आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार का वितरण किया गया। बताया गया कि 60 गर्भवती और धात्री महिलाओं के बीच पोषण आहार बांटा गया। हैदराबाद की महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में सोमवार को सरिया स्थित किसु मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बच्चे सड़क पर उतरे। इस दौरान तख्ती लिए हुए बच्चों ने उक्त घटना के विरोध में सरिया के प्रमुख मार्गों में विरोध मार्च निकाला। वहीं झंडा चौक तथा भगत सिंह चौक सरिया में मोमबत्ती जलाकर उस आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर बच्चों ने सरकार व न्यायपालिका से उन वहसी दरिंदों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इस विरोध मार्च में विद्यालय के शिक्षक अभिजीत गोस्वामी, अभिनंदन मोदी, रीना यादव, लवली कुमारी, रितु कुमारी सिंह, रश्मि कुमारी आदि मौजूद थी। किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था, अखबारों में पढ़कर महसूस हुआ मनुष्य अभी भी जानवर है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर उचित कदम ले और आगे से इन फ्यूचर में इस तरीके की घटनाएं ना घटे, सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले और देश के जनता को बताए कि उन्होंने क्या कदम उठाया। तेलंगाना और रांची में हुए गैंग रेप की घटना से गिरिडीह में भी आक्रोश है। सोमवार को प्रकाश कुंज विद्यालय की ओर से इसके विरोध में एक मौन जुलूस निकाला गया और गुनहगारों को सजा दिलाने की मांग की। प्रकाश कुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी से सोमवार को तेलंगाना व रांची में हुए गैंग रेप की घटना के विरोध में शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाला गया। बताया गया कि तेलंगाना की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिससे भारत की महिलाएं एवं बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं रांची में भी लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसी को लेकर प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा इस जघन्य घटना की घोर निंदा की जा रही है। देखेगा
मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि देश में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसके लिए मुख्य रूप से आधुनिक शिक्षण व्यवस्था एवं पाश्चात्य संस्कृति जिम्मेवार है। यदि समय रहते इसे सुधारा नहीं गया तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, मीनका महतो, संजय सिन्हा, सुनीता दत्त, ज्योति सिन्हा, प्रमोद कुमार, प्रेमजीत कौर, सुरभि कुमारी, ज्योति मुर्मू, अनिकेत घोष इत्यादि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ये हम लोग आज एक मौन जुलूस यहाँ से निकाला है और इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में जो हैदराबाद की घटना हुई है, जहाँ पे एक हमारी अपनी ही बहन को इन लोगों ने, गरीबों ने जिस तरह से एक मतलब गैंगरेप करके पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, और इसमें हम तमाम लोगों को आज हम लोग ये एहसास हो रहा है, महसूस होता है कि आज की हमारी बहनें आज सुरक्षित नहीं हैं। हम चाहेंगे पूरे देश में जहाँ भी है हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, वो हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे भाइयों को भी हम निवेदन करना चाहूँगे कि हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित रहें। हमारे देश का जो आज एक बहुत बड़ी कलंक का जो ये टीका लगता जा रहा है, हमारे देश में लोग आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो भाग रहा है, जो हमारे शिक्षण संस्थानों में जिस तरह की आज ये शिक्षा दी जा रही है, आज कहीं ना कहीं हम एक ऐसा मैसेज को नहीं दे रहे हैं कि हमारा देश जहाँ विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर था, वह देश आज हम कलंकित होते जा रहे हैं, एक अभिशप्त का शिकार होते जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारी समाज को, हमारे समाज की ताना बाना को कहीं इस तरह के गंभीर परिणाम न भुगतना पड़े। हम ये निवेश करेंगे कि हम फिर से एक नई भारत और जो नई सोच हमारी है, वो सोच हमारे देश में लोगों के अंदर में ये दिखनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो अविलंब इस पर रोक लगे, और जो घटना घटी इस पर हम अविलंब चाहेंगे कि हम इस पर तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई हो, हमें इंसाफ चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसे लेकर क्या कार्यक्रम है आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं, और इस मौन जुलूस के तहत माध्यम से हम पूरे गिरिडीह वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आज हमारी जो माँ बहनें हैं वो असुरक्षित नहीं हैं। हम लोग इस जिम्मेवारी को हम लोग निभाएं कि हमारी माँ बहनें महफूज कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए हमें एक अच्छे कदम और एक सर्वसम्मति से तरीके से हमें अपने भाई बहनों को मिल करके हम अपने समाज की रक्षा कैसे करें, ये हमारा विषय है। मुफस्सिल क्षेत्र के पूर्णा नगर में रविवार रात खूब धूमधाम से राम जानकी की विवाह महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान पहले झांकी निकाली गई, बाद में विवाह समारोह राम मंदिर में संपन्न कराया गया। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पूर्णा नगर के श्री राम मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी रविवार रात राम जानकी विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पहले झांकी निकालकर नगर भ्रमण किया गया, बाद में मंदिर में विधि पूर्वक सांकेतिक विवाह समारोह को संपन्न कराया गया। उत्सव में मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष अखिलेश्वर पंडित, सचिव नंदकिशोर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष सोहन लाल शर्मा, उप सचिव मनोज पांडे, सलाहकार देवचंद्र विश्वकर्मा, संतु विश्वकर्मा, बसंत साव, कैलाश गोप, राजू वर्मा, सुनील वर्मा, उमेश पंडित, उज्जवल तिवारी आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। शाखा के सौजन्य से सोमवार को सीतलपुर उत्कर्मित मध्य विद्यालय में बच्चों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई।
मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा सोमवार को शाखा अध्यक्ष कविता राजगढ़िया के नेतृत्व में मुफस्सिल क्षेत्र के उत्कर्मित विद्यालय सीतलपुर में बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन कराया गया। इस दौरान बच्चे ने खुलकर अपना प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बाद में चयनित बच्चों को प्रेरणा शाखा की ओर से सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर उनका उत्साह वर्धन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शाखा ने यह जाना कि हमारे शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक छोटे से गांव में इन छोटे छोटे बच्चे ने कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यहां इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लक्ष्मी शर्मा, श्वेता शर्मा, रीमा अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सरिता मोदी, आशा खंडेलवाल आदि की भूमिका सराहनीय बनी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आवर कंट्री। ही वाज बोर्न 1889। हिज फादर्स नेम वाज मोतीलाल नेहरू एंड हिज मदर नेम वाज स्वरूपा कमला नेहरू वाज हिज वाइफ। जवाहरलाल नेहरू हैड एजुकेशन एट होम, देन ही वेंट टू हेरू एंड केम बी बीकम ए बैरिस्टर। ही स्टार्टेड स्टडी एट इलाहाबाद हाई कोर्ट, but he did not his professional and he joined the freedom movement. Then India got freedom, he became the first prime minister. Children called him Chacha Nehru. He thanked. Mahatma Gandhi was born on the 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father was a Diwan of Rajkot. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. His mother Putri Bai, we followed the path of Gandhiji. After passing the entrance examination, he went to England. He returned to India as a barrister. He went to South Africa to plead in a case. He is the India there from their leader. Now stop much with Jai Hind.
छेम छो मजा मा के ओढ़नी के ओढ़नी के ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पे उड़ी जाए ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पे उड़ी जाए कंपटीशन रख रहे हैं जो कि हमारा चार कॉम्पिटिशन है ड्राइंग कॉम्पिटिशन हैंड राइटिंग स्पीच और डांस का जो बच्चों एक छोटी सी स्कूल को लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि बच्चों को उत्साहित करें कि बच्चे अच्छा बोलें ये आज बच्चे जो स्पीच दे रहे हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं ताकि जिसमें इन लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता फिर भी बहुत अच्छा इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं बहुत बड़ी बात है और बहुत ही उत्साहित से ये बच्चे सारे प्रोग्राम कर रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमने ये स्पीच चुना बिशनपुर स्थित रॉयल ग्लोबल स्कूल में सोमवार को एक कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया इस इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में कक्षा 1 से लेकर 9 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गिरिडीह शहर के बोड़ो स्थित रॉयल ग्लोबल स्कूल में सोमवार को एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी हिंदी संस्कृत और उर्दू में अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भाषण के माध्यम से किया मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मुकेश कुमार सिंह ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए सभी को बधाई दी बताया गया कि यहां के बच्चे किसी भी कंपटीशन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं कार्यक्रम में स्कूल के निदेशक आफताब अहमद ने भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और बच्चों का हौसला बढ़ाया यहाँ निर्णायक मंडली में विद्यालय के मोहम्मद सलाउद्दीन श्री पांडे मोहम्मद हैदर और हाजरा खातून मौजूद थी मौके पर स्कूल के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। आज हमारे स्कूल में रॉयल ग्लोबल विद्यालय बोड़ो पचम्बा में बच्चों के लिए एलोकेशन कॉन्टेस्ट आयोजित की गई जिसमें हमारे स्कूल के विद्यार्थी इंग्लिश स्पीच हिंदी स्पीच संस्कृत स्पीच और उर्दू सभी भाषाओं में अपनी अपनी स्पीच को दिखलाया और अपनी प्रतिभा को दिखलाया हमारे स्कूल के कुछ टीचर जिन्होंने जज बनकर आकलन किया और बच्चों को प्रोत्साहित किया उनका मैं धन्यवाद देता हूँ प्लस जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा और अपने जौहर को दिखाया उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ और जो बाकी बच्चे जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो देख करके कुछ सीखें मैं चाहता हूँ सभी बच्चे सीखें और हर बार अगले बार सभी बच्चे इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने जौहर को दिखाएं अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर समाहरणालय के सभागार में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित की गई प्रेस वार्ता डीसी एसपी ने किया प्रेस को संबोधित कहा बेहतर ढंग से चुनाव कराने को तैयार है जिला प्रशासन नहीं छोड़ी जाएगी कोई भी कोर कसर पचम्बा थाना पुलिस ने बोड़ो में मारा छापा मुर्गी लदे वाहन से बरामद हुई 40 पेटी अवैध शराब गुप्त सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश के बाद हुई यह कार्रवाई मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा में चोरों ने मचाया उत्पात 5 दुकानों में बोला धावा नकदी और सामान ले उड़े चोर और चुनावी माहौल के बीच
प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान हुआ तेज। भाजपा प्रत्याशी निर्भय सहवादी ने किया शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग। इधर जेवीएम प्रत्याशी चुन्नू कांत ने पचम्बा बनियाडी आदि क्षेत्रों का किया दौरा। सभी अपने अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का किया प्रयास। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।